नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही फैंटास्टिक परफेक्टली ब्रा, और सबसे हेवी साइज में भी आप इस ब्रा को एकदम परफेक्ट अपने घर पे और बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए ब्रा की कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बड़े साइज के लिए यानी 48 साइज के लिए ब्रा कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हो 48 का चौथा भाग 12 इंच और इस तरफ से भी हम लेंगे 12 इंच। तो 12 स्क्वायर 12 का पहले एक पेपर लेंगे और उस पेपर को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, कोई भी कागज लेंगे, क्योंकि पहले अगर आप पैटर्न नहीं बनाएंगे तो आपको ब्रा बनाना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम पैटर्न बना लेते हैं, उसके बाद हम ब्रा जो है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि कैसे आपको उसको बनाना है। इसके लिए देखिए पहले नीचे 2 इंच की पट्टी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके साथ ही टोटल होता है। तो ये पट्टी के लिए हो गया 2 इंच का, इसको मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ। अब जो टोटल बचा है वो है 10 इंच। 10 इंच हमने लिया है तो ये इसके अंदर जो होगा वो आपकी लगभग नीचे सिलाई में चला गया, लगभग 8 से 8.5 तक की जो ब्रा की है वो बन जाएगी लंबाई। तो इतना ही हमें इस साइज के लिए चाहिए, 8 या फिर 8.5 इंच आपकी ब्रा की जो लेंथ टोटल हो सकती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इसका ओपन साइड है यहाँ पे, इस पे हम लेंगे, क्योंकि ये सी साइज की मैं बना रही हूँ तो ये 1 नंबर पे ए साइज, 2 नंबर पे बी साइज, 3 नंबर पे हो गया सी साइज, और डी साइज के लिए बनाते हैं तो ये होता है 4 नंबर पे। तो यहाँ पे हम सी साइज के लिए बना रहे हैं तो मैंने ले लिया है 3 इंच के लिए। उसके बाद में इसका जो ये सेंटर पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा आगे 1/2 इंच आगे इस तरह से इसको मिला देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है। मिलाने के बाद आप यहाँ पे इसको थोड़ी सी गोलाई दे दें, हल्की सी, ये हो गई है गोलाई। अब ये हो गया है फर्मा पैटर्न, बस सिर्फ इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना। इस साइड को कट कर देंगे, नीचे की जो पट्टी है वो अलग से हम अटैच करेंगे, उसको हम अलग कर लेते हैं। तो इसको मैं कट कर देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको कट करके निकाल दिया है। अब जो इसका बीच नीचे वाली पट्टी को भी हम निकाल देंगे, ये मैंने नीचे वाली पट्टी को भी निकाल दिया है। अब इसको हम कट करके और इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं, और सेम इस यही 2 पार्ट्स हम कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, ये 2 पार्ट्स कपड़े पे कटिंग करने हैं। तो दोस्तों मैंने दोनों के मतलब एक एक पार्ट्स के 2-2 पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं, क्योंकि हमें 2 कप्स बनाने हैं तो हमें 1 कप्स के लिए 2 पार्ट्स चाहिए होते हैं। अब हम सबसे पहले ये वाली सिलाई निकाल लेंगे यहाँ तक, और इस पार्ट्स में भी हम जो यहाँ से लेकर के ये वाली सिलाई, ये जो सीधी साइड है इसको हमें नहीं सिलना है, ये जो हमारी साइड है स्लिप वाली इसमें हम दोनों साइड पे सिलाई करके कप्स को तैयार कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद कप्स जो है वो इस तरह से दिखेगा। अब ये जो लगभग 1.5 इंच का नेक लाइन का एरिया है यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना। इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे कप्स को, इसके बाद इसको इसके ऊपर रख करके ये सील देना है, फिर ये जो है इतना इतना हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे, इस तरह से ऊपर तक हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। पहले इसको सिलते हैं। तो अब ऐसे देखिए आप यहाँ तक सिल दिया है, अब इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये सेंटर ऐसे ही रहना चाहिए, इसको आपको यहाँ पे ऊपर तक ऐसे फोल्ड करना है
फिर इस साइड को भी फोल्ड करना है इसी तरह से ऐसे। देख सकते हो मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है और इस तरफ भी फोल्ड कर दिया है। एक और होता है इसके अंदर सिस्टम, वो क्या होता है कि जैसे हमारे पास इस तरह की कोई लेस होती है जो भी, तो हम ये भी उसके अंदर चिपका सकते हैं, उसे जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से जो कोई भी कलर की आप लेस लगाते हो तो उससे आपकी जो ब्रा का लुक है वो बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। तो इस तरफ आप देखिए व्हाइट तरह की जो लेस होती है ये इस तरह की लेस भी आप चिपका सकते हैं और कलरफुल इस तरह की भी आप चिपका सकते हैं। तो जो कप्स बनाने के बाद दोस्तों हम इनको इस तरह से चेक कर लेंगे कि हमारे कप्स जो दोनों है बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर है कप्स। तो अब हम यहाँ से जो हमारी जॉइंटेड जो हमारी जो बीच की सिलाई है वहां से हम इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा गोल राउंड शेप लगाएंगे। शेप हमें कैसे लगाना है ये आप देख सकते हो, आधा इंच ऊपर और इस शेप को हम ऐसे कटिंग कर देंगे। कट कर दिया मैंने। अब हम इसको खोल करके देखते हैं कि कैसी लग रही है। ये देखिए ये इस तरह से हो गई ना। अब हम इसको कपड़े के ऊपर रखेंगे, नीचे वाली पट्टी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्रा बनाने के लिए टी शर्ट का यूज किया है। यहाँ पे मैं नीचे वाली जो पट्टी है वो कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने ब्रा के दोनों कप्स रख दिए हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे इसके पास पास में मैं मार्क करूंगी, यहाँ से पास पास में, और जो नीचे की मैंने यहाँ से लिए, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से मैंने इसको लिया है 2 इंच और यहाँ से भी मैंने इसको लिया है 2 ही इंच, 2-2 इंच लिया है क्योंकि मुझे 2 इंच की पट्टी चाहिए जिसके अंदर की मैं इलास्टिक डाल सकूँ। तो इस पे फिर बिल्कुल मार्क करके बराबर यहाँ तक हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरफ में, और इस तरफ में हम यहाँ पे इसको कटिंग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि बैक की जो पट्टी है वो हम ज्वाइंट कर सकें। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ब्रा की जो पट्टी है यहाँ पे कटिंग कर ली है, इस तरफ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरफ से भी ब्रा से थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है इस पट्टी को, बाकी बिल्कुल बराबर में कटिंग कर लिया। ये हमारी पट्टी कटिंग हो गई है। अब सबसे पहले आपको इसको नीचे से इतना फोल्ड कर देना होगा, लगभग 1/2 इंच फोल्ड करके एक सिलाई लगा देते हैं नीचे की साइड में, फिर इसको हम इसके साथ जॉइंट करेंगे। पट्टी ऐसे अटैच कर ली है इस तरफ से देखिए। अब इसको इतना इतना लगभग 1/2 इंच के जितना फोल्ड कर लेते हैं जितने कि हम इलास्टिक डाल सकें। ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगाती हूँ मैं। तो इसको मैंने फोल्ड भी कर लिया है। अब इस तरह का इलास्टिक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक जितना ही स्पेस है 2 इंच कम हम ये इलास्टिक लेकर के इसके अंदर डाल देंगे। देखिए यहाँ से ये ओपन है तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये वाला इलास्टिक। इलास्टिक को डाल करके यहाँ से लॉक कर दिया है और यहाँ से भी लॉक कर दिया है। अब हम इसकी साइड की पट्टी ज्वाइंट करते हैं, कटिंग कर लेते हैं पहले बैक साइड तक की। ब्रा के कॉर्नर्स को मैंने यहाँ पे रखा है, मुझे जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए, जैसे पट्टी की जो लंबाई मैं रख रही हूँ यहाँ पे 9 इंच की, और पट्टी की चौड़ाई मैं यहाँ से ले रही हूँ टोटल 2.5 इंच की। इसी के अंदर फोल्डिंग भी हो जाएगी और इसके बाद इसको मैं यहाँ पे इस तरह से तिरछी मिला दूँगी। ये हो गई हमारी पट्टी, इसको हम कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 9 इंच की, यहाँ से 2.5 इंच की और यहाँ से 1.5 इंच की पट्टी जो है वो कटिंग कर ली है। अब हम इस पट्टी को, ये डबल फोल्ड में है तो यहाँ से कट करके इसको सिंगल कर लेंगे। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं तो दोनों साइड की 2 पट्टियाँ हो गई है। बैक साइड के लिए ऊपर से फोल्ड करेंगे, नीचे से फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे। पट्टी तैयार करने के बाद देखिए पट्टी इस तरह से तैयार हो गई है। तो इसको मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया है और इस पार्ट्स को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी पट्टी अटैच हो गई बैक साइड की। अब आप चाहें
तो अपने कप्स के जो चारों ओर इस पट्टी की साइड में यहाँ पे आप जो है वो लेस लगा सकते हैं। तो मैं ये वाली जो लेस है वो हाथों से चिपकाने वाली हूँ। तो इसको कैसे चिपकाते हैं देखिए, इस तरफ की जो पट्टी है मैंने यहाँ पे स्टिच कर दी है, यहाँ पे मैंने पट्टी स्टिच कर दी है। अब इसको हम यहाँ पे हुक ओराई के लिए ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे एक साइड पे हम हुक और आई हम लगा लेंगे, या फिर इस तरह के जो रेडीमेड हुक आई की जो पट्टी आती है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से आपको रेडीमेड मिल जाएगी और आप इसको इसके ऊपर ऐसे स्टिच कर दें। इसको थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारी पट्टी बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखनी है। और यहाँ पर आपको ऐसे इसको चिपका देना है। तो ये वाली पट्टी भी आप अटैच कर सकते हो, इसके ऊपर भी आप हुक और आई लगा सकते हो डायरेक्टली, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद जो लेस अगर आप लगाना चाहते हैं कि आपने पहले लेस नहीं लगाई है तो आप बाद में भी इसकी जो लेस है वो लगा सकते हो। इसको हम अंदर की ओर ऐसे डालेंगे, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले फोल्ड करने से पहले यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हुए पूरी ऐसे लेस लगा लेंगे और उसके बाद हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर और फिर यहाँ पे हुक और आई लगा देंगे और इस लेस को हम इस तरह से चिपका लेंगे। पूरे राउंड पे हमें चिपकाना है, यहाँ तक हम इसको ऐसे लेंगे और इसके बाद हम इसको ऐसे ऊपर भी ऐसे लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो ब्रा का जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा और आपकी जो ब्रा है वो बिल्कुल रेडीमेड के जैसी दिखेगी। तो मैं आपको इस तरह से चिपका करके फिर बताती हूँ। तो ये सारा मैंने मेजरमेंट आपको बता दिया। अब ये लेंगे ऊपर वाली जो डस होती है वो, ये मैंने लिए हैं 14 इंच की। इस साइज़ के लिए लेते हैं 14 इंच की या फिर 15 इंच की भी हो सकती है किसी की लेंथ ज़्यादा हो तो। तो पट्टी को देखिए इस तरफ अपनी मैंने पट्टी ज्वाइंट नहीं किया इसलिए मैं आपको इस तरफ बता देती हूँ कि इसको एक पार्ट्स यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे ऊपर की साइड में। तो स्ट्रिप का एक पार्ट्स तो यहीं पर अटैच होगा, यहाँ पर अटैच हो गया है। दूसरा जो पार्ट्स है उसको हम यहाँ पर यहाँ से लगभग 3.5 इंच की दूरी पे लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से जहाँ पे भी हमारी 3.5 इंच आती है वहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे हम इसको सील देंगे। तो लेस भी लगा लेती हूँ मैं, ये स्ट्रिप भी लगा लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे लगती है ब्रा। दोस्तों हमारी जो ब्रा है वो बन करके रेडी, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, एकदम इलास्टिक के साथ में और पाइपिंग्स के साथ में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी इसी तरह से जो ब्रा अपने घर पे तैयार कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।